मंगल भवन खुर्सीपार में युवक युवतियों के लिए मेगा जॉब फेयर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों की भीड़ देखने को मिली। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप आईटी सेक्टर की ओर बढ़ते कदम पर भिलाई में बीपीओ कॉल सेंटर खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा पर विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल से भिलाई में इसके लिए शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। बीपीओ कॉल सेंटर खुलने से हजारों बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल पाएगा। बीपीओ कॉल सेंटर में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए मंगल भवन भिलाई खुर्सीपार में साक्षात्कार रखा गया था। टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन संस्था के द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन सुबह 11 बजे से मंगल भवन खुर्सीपार जोन 4 में किया गया। बीपीओ कॉल सेंटर में सिलेक्शन के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक, शैक्षणिक योग्यता 12वीं से स्नातक पास एवं कंप्यूटर संचालन, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का लेखन एवं वार्तालाप का अनुभव आवश्यक रखा था। इस जॉब फेयर के आयोजक ने इसको लेकर कुछ इस तरह की जानकारी दी। एक्चुअल में इधर जॉब का फेयरवेल चल रहा था मंगल भवन इधर कुर्सी पार में, तो उसी के लिए जॉब के लिए ही आए। ये एक्चुअल में बीपीओ है, कॉलिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग जॉब है ये। मैं ये अपना कोसा नगर भिलाई से आया हूँ। एक्चुअल में जॉब अलग अलग प्रकार की है, सबके लिए अलग अलग पोस्टें हैं। तो अपन लोग तो सेल्स एंड मार्केटिंग के है और भी कॉल सेंटर भी है, तो अलग अलग जॉब तो देखेंगे अब किस में लग सकता है इंटरव्यू। यहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ क्वालिटी एंड इनिस्ट रोल के लिए एंड ट्रेनर प्रोफाइल के लिए भी, अगर मैं देना चाहूँगी अगर मेरे को चांस मिलता है तो। इससे पहले भी एक्चुअली यहाँ पे नेहरू नगर में एक हुआ था टेक्नो टास्क का, उस टाइम पे मैं पार्ट बनी थी इंटरव्यू का। उस टाइम पे मैं एसोसिएट के लिए गई थी, बट दैट टाइम मुझे क्वालिटी एंड ट्रेनर का प्रोफाइल मिल रहा था, बट क्योंकि वो टेडेस रहा था तो लोकेशन बहुत दूर था, दैट्स व्हाई मैं उस टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं की थी। बट अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ मेरे घर के पास में है, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अप्रोच कर। मैंने क्वालिटी एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया है, बट मेरे को अगर चांस मिलता तो मैं ट्रेनर प्रोफाइल के लिए भी करूँगी। ट्रेनिंग एंड क्वालिटी दोनों मेरा प्रोफाइल है, क्योंकि मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैं करती हूँ। नोटास बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा पिछले विगत 2 से 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में करीब 5,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है। भले ही वो कोविड काल का भी समय रहा हो, तब भी हमने उस टाइम पे 2 से 2,500 लोगों को यहाँ पे रोजगार का अवसर दिया। अभी संस्था का यही है कि हम आगे कम से कम 1,000 लोगों को और रोजगार उपलब्ध कराएं। तो जैसे कि हमारे 2 सेंटर हैं, एक हमारा राजनांदगांव में, एक रायपुर में है, तो भिलाई दोनों का मध्य स्थान है, तो यहाँ पे भी काफ़ी पोटेंशियल है युवाओं में। तो हम चाहते हैं कि हमको भी एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो भी अपने स्किल्स को यूज़ कर पाएँ और अपना एक बेहतर भविष्य टेक्नोटा संस्था के द्वारा आगे बना पाएँ। सर, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का ओपनिंग है, बहुत सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके हमारे साथ में टाईअप्स हैं। तो बेसिकली ये कॉल सेंटर का जॉब से यहाँ पे कॉल्स आते हैं, SMS आते हैं, चैट्स आते हैं, जिस पे लोगों को अपना रिजोल्यूशन देना होता है। तो ये लोग यहाँ पे हम इनको स्किल्ड भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो अभी हमारे पास में करीब 1,000 लोगों की आवश्यकता है, तो जिसके लिए हमने ये मेगा जॉब फेयर अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा उनका इंटरव्यू भी किया जा रहा है। उन्हें आज के दिन में ही बता दिया जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या है, और आगे आने वाले 15 से 20 दिन या 30 दिन में उनका हम ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये उनके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, लेकिन उनके स्किल सेट के आधार पे हम उन्हें एक आकर्षक वेतनमान उपलब्ध कराते हैं। इस बेरोजगार मेले में सैकड़ों युवक युवतियां शामिल हुई और इसका लाभ उठाया। रोजगार मिलने से इन लोगों को इनके घर की माली हालत को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।